주죠. 가설래? 아차. 네. 오이, 오니 가나? 오이, 오니 가나? 예, 어. 네, 네. हेलो गाइस, वेलकम टू अ कोजी लिटिल कॉर्नर। ये एक हमारा बहुत ही कंफर्टेबल कोजी रूम है जहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा हीटर मक्कू को गर्म करने के लिए, ये मैक्स का फेवरेट पिलो, मैक्स की फेवरेट लाइट और मैक्स का फेवरेट बेड जहाँ पे मक्कू बिल्कुल आराम पसार रहा है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बहुत पॉजिटिव बातें बताने वाला हूँ और थोड़ी थोड़ी नेगेटिव भी। पहले पॉजिटिव बताता हूँ, बहुत ज्यादा है क्योंकि वो तो। सबसे पहला पॉजिटिव ये है दोस्तों कि कल तक जैसे मैंने आपको बताया था कि मैक्स खाना नहीं खा रहा था तो हमें से फोर्स फीड करना पड़ रहा था, पर आज कहानी चेंज हो चुकी है। सुबह सुबह भाई साहब ने खुद ही अंडे खाए, फिर थोड़ा सा हमें फोर्स करना पड़ा, बट देन दिन में इसने खुद ही खाना मांगा और खुद ही खाना खा लिया। और ये इतना बड़ा रिलीफ है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये खाना नहीं खाएगा अच्छे से तब तक ये रिकवर नहीं हो सकता। और आप फोर्स फीड कर सकते हो, उसका मुंह खोल के खाना डाल के हमने खिलाया है, बट यार एक तो इतना प्यारा सा बच्चा है तो उसको ऐसे करने का ना मन नहीं करता है, और दूसरा ज्यादा क्वांटिटी में आप खिला नहीं सकते हो, राइट। उसमें थोड़ा खाना गिर जाता है, जो ब्रॉथ होता है खासतौर से खाने का, जो जूस होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बह बह जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो ढंग से खाना मिल नहीं पाता। आज हमने इसके लिए अनार का जूस भी बनाया था, बट वो भाई ने बिल्कुल एकदम उसको वो कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि मैं नहीं पी रहा, ऐसा कर दिया। बट चलो, वेयर हैप्पी कि इसने खाना खाया। दूसरा कि इसको दवाई भी बड़े प्यार मोहब्बत से खिला दिया आज तो हमने। कल तक तो हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि दवाई को ना संभाओ पता नहीं कैसे यार, जिंदगी भर इसको दवाई खिलाई है आज तक इसको और गोश्त को, कभी दिक्कत आई नहीं। कल तक ये क्या कर रहा था, दवाई को पता नहीं यहाँ पे अटका दे रहा था और किसी तरह वो कर रहा है और निकाल दे रहा है बाहर, और खिलाने के बाद थोड़ा टाइम बाद निकाल रहा है, तो सुबह इसके बेड में निकली मिल रही दवाई, तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। बिकॉज हमें शैली मैम ने कहा था कि दवाई तो भाई मिस कर ही नहीं सकते हो तुम, चाहे तुम मिठाई मिला के दवाई खिला दो पर दवाई जानी अंदर, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी, उसके बाद टिक फीवर भी हो गया, तो बहुत ही क्रिटिकल था। मैंने तो ज्यादा आपको डराया नहीं, बट मैम बहुत कंसर्न थी, इनफैक्ट मेरी भी फटी हुई थी कि साले यार क्या बवाल हो गया। बट अभी जो है मैक्स की जो हालत है ना, इसकी दवाइयां, एक तो इतनी ज्यादा दवाइयां हैं, दवाइयां दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मैक्स ये देख क्या है, एक तन्नी सी जान के लिए देख रहा हूँ कितनी दवाइयां खानी है इसने। मिट्टू निन्नू पिल्लो, ओए होए होए उठ रहा भी है, देखा आपने दवाइयां कितनी ज्यादा, इतनी छोटा सा नन्ही सी जान की इतनी सारी दवाइयां, बट होपफुली 3-4 दिन में थोड़ी कम हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा पॉजिटिव चीज कि मैक्स की जो एनर्जी है ना वो वापस आ रही है। जैसे आज आप इसे देखोगे ना तो इसकी आंखें ना थोड़ी रिलैक्स्ड है, ही इज वेरी कंफर्टेबल। कल तक इसकी आंखें ना ड्रूपी लटकी हुई नहीं होती आंखें, वो ज्यादा थी बिकॉज बहुत नशे में था, मे बी बिकॉज ऑफ द पैच मे बी, बट टूडे ही लुक्स वेरी कंफर्टेबल। एंड आज तो थोड़ा बहुत घर में भी घूमा, घर से नीचे तक थोड़ा बहुत पैदल भी चला है। पहले तो ये हो रहा था कि 10-15 कदम चलता था फिर बैठ जाता था, और बेचारा पॉटी करने में भी उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज पीछे वाले लेग्स जो थे ना वो सपोर्ट नहीं कर पाते थे बॉडी को, तो वो ऐसे पॉटी करने में करता था, बार बार गिर जाता था, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। बट आज तो All in all, it looked really comfortable. आज बहुत अच्छे से हो गया, टच वुड लग गया। खिड़की भी प्लास्टिक की है यार, वुडी टच वुड, तो बहुत पॉजिटिव था।
चलो उठो, हाँ हाँ लड़कड़ाओ नहीं, चलो आ जाओ, हाँ उठो उठो उठो, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आ जाओ, चल चल भी नहीं पा रहा, इसकी तबीयत खराब है, इसकी सर्जरी हुई है ना, आप लोग जाइए, कुछ नहीं करता है, चलो चलो चलो, बुरी आएगा बुरी आएगा। मैक्स यार क्या कर रहा है, आंटी को डरा रहा है यार, आओ आ जाओ, चलो चलो कोशिश करो, करो करो कोशिश करो, चलो शाबाश गुड बॉय शाबाश, वो उसको भी रहने दो, शुभ्र वहीं पे लगाएंगे, आ जाओ, यूहू कौन है, पूछ तुम, चलो बहुत हो गया चलो 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 बस थोड़ा थोड़ा चलेंगे रोज रोज, फिर कुछ दिनों में दौड़ेंगे, ठीक है मित्तू, धीरे धीरे मैक्स काफ़ी चल रहा है आज, मतलब कल से हर दिन इसकी जो रिकवरी है ना 100% 200% हो रही है, जैसे कल जितना ही चला उससे आज डबल चला, तीन चार बार वॉक कराया मैक्स को एंड ही लुक कंफर्टेबल, आज मतलब ये घबरा नहीं रहा था कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, हाँ ही इज पैंटिंग, सांस चढ़ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है तीन चार दिन में ही इज गोना बी टोटली फाइन, मैंने मैम को बोला था, शैली मैम को, कि दौड़ाते हुए लाऊंगा इसको अगली बार, और अगर टचूडी ऐसे खाता रहा तो जब हम नेक्स्ट टाइम अभी दो तीन दिन में जाएंगे मैम के पास तो मक्कू एकदम चलते चलते मटकते मटकते जाएगा वहां पे। दूसरा दोस्तों अच्छी बात आपको ये बतानी थी, जो मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गया ये सारी भसड़ के बीच में, कि चिंटू गोस्ट का बेटा हमारे पैक में ऐड हो चुका है, हमारी फैमिली का पार्ट हो चुका है, उसकी ना बहुत लंबी कहानी है, मैं भी आराम से सुनाऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ, कोई भी चीज हमारे साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होती नहीं है, बट हाँ फिलहाल वो अपनी माँ के साथ ही रह रहा है, हमारा जो कैफे है वो सिटी से थोड़ा दूर है जहाँ पे भोटू रहती है, और उसके साथ ही चिंटू रह रहा है अब, और वो सुबह सुबह आ जाता है घर हमारे नीचे गोश्त के पास, दिन भर वहीं खेलता है सोता है आतंक मचाता है और फिर शाम को वापस घर चले जाता है। जब मैं वापस जाऊंगा ना दोस्तों तो चिंटू पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार ये बड़ा स्पेशल डॉग है और ये कैसे हमारी फैमिली में ऐड हो गया मैं आपको बताऊंगा। तो वो कहते हैं ना जो लिखा होता है वो होता ही होता है, अभी वी आर नॉट श्योर कि चिंटू हमारे साथ घर पे रहेगा कि नहीं, क्योंकि मैक्स बाबा क्या हुआ, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, अभी हम श्योर नहीं है कि वो हमारे साथ घर पे रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज मैक्स जो है मैक्स को उसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, अगर मैक्स उससे घबराएगा या उससे परेशान होगा तो फिर चिंटू घर पे हम नहीं लेके आएंगे, अपनी मम्मी के साथ ही रहेगा, बिकॉज इस समय मैक्स का मेंटल और फिजिकल कंफर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ताकि मैक्स तभी तेज से रिकवर कर पाएगा। दोस्तों ये तो दो गुड न्यूज, तीसरी गुड न्यूज कह लो या एक अच्छी ब्यूटीफुल एक फीलिंग जो आप लोगों ने मुझे दी है, कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज में टैग किया, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जा जाके जो गुड बॉयज है ना, स्ट्रीट डॉग्स हैं या अपने डॉग्स हैं, उनकी सर्जरी करा रहे हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर मैंने आपको इंस्पायर किया है इस चीज़ के लिए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। दोस्तों पिछले एक साल हो गया ऑलमोस्ट, जब मैंने रियलाइज़ किया था कि ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, आप लोगों ने मुझे जो एक थोड़ी सी पावर दी है, आप लोग जो मुझे इतना मेरी बात मानते हो, मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो मेरे को लगा कि इस जो ये जो पावर मेरे को मिली है इसका यूज मैं एनिमल वेलफेयर के लिए करूं। ये मैंने बात आपके सामने भी रखी थी कि इस यूट्यूब के माध्यम से, इस चैनल के मीडियम से हम लोग जो गुड बॉयज हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनको खाना नहीं मिलता है, या जो लोग बीमार हैं, उनके लिए अगर हम कुछ परसेंटेज कुछ भी उनकी हेल्प कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड अब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरे को स्टोरीज में टैग करते हो कि भैया हमने देखो इस गुड बॉय को ऑपरेशन करवा दिया, या देखो भैया गुड बॉय को घाव था हमने इलाज करवा दिया, देखो भैया हमने ये करा, देखो भैया हमने गुड बॉय का घर बना दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो भी मैंने सोचा था अब हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। अब दोस्तों गुड न्यूज़ तो सारी यहीं पर हो गई, एक अब बैड न्यूज़ ये है, अब बैड न्यूज़ शुरू करते हैं, सारी चीज़ें गुड तो होंगी नहीं, तो बैड न्यूज़ ये है कि जिस दिन मैं मैक्स को लेकर आ रहा था हॉस्पिटल से, तो जैसे मैं अपने घर के पास पहुंचा, मैं गाड़ी से उतरा हूँ, मेरी कमर में ना एकदम से पता नहीं बहुत तेज पेन हुआ, एंड वो इतना तेज पेन था कि परसों आई कुडंट इवन वॉक, मैं लेटा ही था, कल भी मैं पूरे दिन ऑलमोस्ट लेटा ही था, शाम को मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा तो फिर मैं थोड़ा चल फिर लिया, फिर से पेन शुरू हो गया, एंड अभी भी आप देखोगे मैं कितना हिल रहा हूँ तब से, बिकॉज मेरे को बैक को ऐसे बेंड करने में ना पेन हो रहा है, एंड आई डोंट नो क्यों हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि
बैक पेन जैसे मैं मैक्स को उठा नहीं सकता और उसको गोदी में ले जाके सुसु पॉटी करानी पड़ती है। तो फिलहाल तो शुभ्र था तो उसने कर दिया, अब कल उसका ऑफिस है तो अब कल मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि मक्कू मियाँ को सुसु उसू कर रहे हैं कि कैसे ले जाएंगे, इसको उठाऊंगा तो बैक में और पेन होगा। बट आई एम ऑल्सो होपफुल कि मैक्स जो है कि ये थोड़ा कल चल फिर ज़्यादा पाए, मैं तो ये हो रहा हूँ कि मैक्स खुद जाए सुसु पॉटी करके आए, तो वही होप है। और एक बैड न्यूज़, दोस्तों जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आप में से बहुत सारे लोग उससे रिलेट भी करते हो। बेसिकली मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था कि पिछले 3 महीनों से जो जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ तो उससे कैसे मेरे को प्रोफेशनली, मेंटली और फिज़िकली नुकसान हुआ है और कैसे मैंने उससे फाइट करी और कैसे अब हम उस चीज़ से आगे बढ़ के जीत रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो इस पर बनाया जाए। अपने मुझे आप बताइएगा आइडियाज़ कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप में से ही कुछ लोगों ने बोला था कि भैया प्लीज़ इस बारे में बात करिए क्योंकि हम लोग भी बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, एंड मे बी आपकी बात जान के हम थोड़े मोटिवेट हों, मे बी कुछ सीखें, मेरी कुछ गलतियों से क्या पता आप कुछ सीखो, हो सकता है मेरे कुछ कुछ ऐसे एक्शन हो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। तो ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत हैप्पी वीडियो था, इसको ऐसे ही एंड करते हैं एंड हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड विल सी यू वेरी सून। क्या हुआ चुचू आया? हर चीज़ में चुचू आ रहा है आजकल आपको, इसको लग रही है गर्मी और कुछ सुसू नहीं आ रहा, गर्मी लग रही है बेचारे को। और बेटा क्या बोलें, थोड़ा गर्मी झेलना इज़ बेटर फॉर यू। ठीक है दोस्तों, सी यू, बाय। वू।